नेपा नगर क्षेत्र की माध्यमिक शाला अंबाड़ा में मंगलवार दोपहर आयरन की गोलियां खाने के बाद 41 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें तेज पेट दर्द व मनोर की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन, पुलिस व अन्य लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोर्सेज ने बताया कि भर्ती कराए गए बच्चों में से 5 बच्चों की हालत ज्यादा खराब है, शेष बच्चे सामान्य है, सभी का इलाज किया जा रहा है। अब तक बच्चों के बीमार होने की असली वजह सामने नहीं आई है। दूसरी ओर विद्यार्थियों के अभिभावक आयरन के साथ एक अन्य गोली खिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इससे इनकार किया है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि हमेशा आयरन की गोलियां विद्यार्थियों खिलाते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है जब बच्चों का स्वास्थ्य खराब हुआ है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर स्कूल के विद्यार्थियों को आयरन की गोलियां बांटी गई थी। इसके बाद कुछ देर बाद दोपहर करीब 3 बजे से उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया। धीरे धीरे अन्य बच्चे भी पेट दर्द की शिकायत करने लगे। सूचना मिलने पर नेपाल नगर थाना प्रभारी एपी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस, पुलिस वाहन व एक निजी स्कूल की बस बुलाकर बीमार बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बच्चों के बीमार होने के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंच गए थे। वे शिक्षकों पर गलत दवा खिलाने का आरोप लगा रहे थे, जिससे कुछ देर के लिए स्कूल में शिक्षक भी डर गए थे। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज चल रहा है और उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। बेटा क्या हुआ आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में मैं घर पे गया था तो बच्चों को घर में गोली खिला दी, पेट टूटने की काई की खिला दी। उससे क्या हुआ बच्चों को? बच्चे मतलब सोने लग गए, उसका पेट गड़बड़ करने लगा, नसें उड़ाने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अर्जुन भज्जा। बच्चा बच्चा बच्चा